अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि हमको मालूम है कि जो हमने कोविड का टीकाकरण किया तो बड़ा यह था कि इतने सारे लोगों को किस तरह से टीका लगाया जाएगा और उसका रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाएगा, उसके लिए तो सबसे पहले इसमें हमारे टीकाकरण अधिकारी सर से आप निवेदन करवा के हमारे डॉक्टर सुनील तिवारी है टीकाकरण अधिकारी और हमारे डब्ल्यूएचओ हमारे टीम में अभी से सर उपस्थित है। आपको जो हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम लोग सपोर्ट देते हैं रूटीन वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस की सर्वेलेंस के लिए, यानी ऐसी बीमारियों की निगरानी के लिए जिनके विरुद्ध हम टीकाकरण करते हैं बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का। आप सबसे अपेक्षा केवल ये है कि अभी हम जो मिले हैं एक अभियान के कारण मिले हैं, लेकिन टीकाकरण केवल अभियान मात्र नहीं है। आयोजित की गई थी, किस लिए की गई थी और किस उद्देश्य को लेकर की गई थी? आज टीकाकरण के संबंध में हमारी विशेष पत्रकार वार्ता हमने रखी थी। इसके अंदर हमारा उद्देश्य यह था कि हमारा जो 7 अगस्त से टीकाकरण में 0 से 5 साल तक के बच्चों के और गर्भवती माताओं को जो किसी वजह से टीकाकरण से वंचित रहे हैं उनका टीकाकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 7 मिशन 5.0 पूरे भारत में लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। 3 चक्रों में ये होगा, अगस्त सितंबर और अक्टूबर में। अगस्त में 7 तारीख से, सितंबर में 11 सितंबर से और अक्टूबर में 9 अक्टूबर से 6 दिन का हमारा अभियान रहेगा। इसके अंदर हम टीकाकरण करेंगे। दूसरा विषय हमारा आज का टॉपिक था, इसके अंदर यूरिन पोर्टल। इसके अंदर बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का जो हमारा नियमित टीकाकरण का कार्यक्रम है वो 7 अगस्त से ही इस IMI के माध्यम से डिजिटल हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। विभिन्न पोर्टल के ऊपर ही हम इसके अंदर हमारे सेशन बने हैं। इन बच्चों का टीकाकरण भी विभिन्न पोर्टल के माध्यम से होगा। इसके अंदर व्यक्ति खुद अगर चाहता है तो भी अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकता है। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुनील तिवारी, जिला टीकाकरण अधिकारी।